बांदा में खेल खेल में एक बच्चे की जान चली गई। मामला मर्दन नाका चौकी के निमनीपार मोहल्ले का है, जहां घर पर खेल रहे जितेंद्र के गले में दुपट्टा फंस गया और वो बेहोश हो गया। आनंद फानंद में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक जितेंद्र की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये 11-12 साल का एक बच्चा है, जिसने घर में ही अपने पीछे वाले कमरे में फांसी लगाई है। घर के परिजनों ने ही सूचना पुलिस को दी थी, जिसपे पुलिस तत्काल पहुंची थी और बॉडी को सील करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात बोल रही है। बांदा से जफर अहमद, पंजाब केसरी टीवी।